डाउट्स। सर हाँ हाँ बोलो मीका, किसमें डाउट आ सर रहा है? एक, हाँ सर एक डाउट था कि अगर प्रीपेड रेंट 8,000 है ना, और रेंट जो है वो 3,000, रेंट सॉरी हाँ रेंट 3,000 और प्रीपेड रेंट 8,000 है, तो इसका टोटल कैश में से माइनस होगा ना। रेंट कितना है? 3,000 है। हाँ रेंट पेड 3,000 और प्रीपेड रेंट 8,000 है। मतलब टोटल अपने 11,000 पे किया है क्या? नहीं उसमें से एक प्रीपेड रेंट भी है। नो, तो 3,000 दिया तो उसमें 8,000 प्रीपेड रेंट कैसे हो सकता है भाई? हाँ तो आपने कैसे, दिया ही 3,000 है, उसमें 8,000 उल्टा हो गया। तो फिर आपने रेंट पे किया होगा 8,000, उसमें प्रीपेड 3,000 होगा, ऐसा हो? ठीक है, यस सर आपने पे टोटल 8,000 किया है और उसमें 3,000 प्रीपेड हो सकता है, ये हो सकता है। तो उसके अंदर बाय रेंट आप दिखा दोगे 5,000 और बाय प्रीपेड रेंट दिखा दोगे 3,000। ओके सर। ओके, नाउ आई हैव बीन आस्क्ड आपने दी। अपनी कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है? भूल गया हूँ, मैं भेज देता हूँ। मैं कल भी बोला था, मैं भूल गया हूँगा फिर। हाँ सर आप परसों के लेक्चर रिकॉर्डिंग भेजने वाले थे। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, मैं आपको पहले, ठीक है मैं अभी भेज देता हूँ सारी जो पेंडिंग है। आई ओपन दिस 37 शीट। मैं एक जो मैंने कल आस्था ने कुछ पूछा था डाउट मेरे से, और उसके अंदर मैंने कोई चीजें भूल गया हूँ। सेवेंथ क्वेश्चन का था ना कुछ, क्या था? इसकी बात हो रही है आस्था, ऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस बाय चेक। आस्था वो कौन सा डाउट था जिसकी अपनी बात हुई थी? आई विल डिस्कस टुडे इन द क्लास। आस्था इज नॉट हियर, एनीबॉडी एल्स, किसी और का कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। हाँ सर मुझे बस एक और डाउट था कि जिसमें मतलब क्या था, क्वेश्चन 6 का 20th पार्ट था है ना, और उसमें लिखा था कि पेड फॉर रिपेयर ₹3,000 और कार इज हाफ ऑफ द टाइम यूज फॉर पर्सनल यूज। इसके ऊपर मैंने तो पूरा डिस्कशन किया था कि जो खर्चे हैं वो ड्राइंग्स हो जाएंगे, और जो आधे खर्चे ड्राइंग्स हो जाएंगे आधे बिजनेस के हो जाएंगे। ओके सर मैंने बताया था ये 3,000 में 1,500 ड्राइंग्स लिख दोगे और 1,500 कार रिपेयर में आ जाएगा। हाँ सर बस यही मुझे मतलब लग ही रहा था, मैंने बस पूछ लिया। ठीक है, और बोलिए। और सर हाँ मैं सर वही वो पूछ, नेटवर्क कनेक्शन हो गया था तो मुझे एकदम से लीव हो गया था मीटिंग इसलिए। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ 9th के अंदर कौन सा, 9th क्वेश्चन में यही वाला था क्या? हाँ सर 21st वाला। ऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस बाय चेक। ओके, ऑनर्ड आर एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि हमने कुछ बिल एक्सेप्ट किया हुआ है कि हम उसका पेमेंट करेंगे, और उसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल को अपन ने ऑनर किया। ऑनर क्या होता है? बिल्स पेबल का पेमेंट किया, तो यहाँ चेक से किया तो बैंक के थ्रू, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हम क्या करेंगे, कैशबुक के अंदर बाय बिल्स पेबल करके लिख देंगे, बस इतना करना है इसके। इसके ऊपर एक और चीज था, मुझे याद आ रहा है कि वो रिबेट रिमेंबर, डिस्काउंट बिल रिसीवेबल फ्रॉम बैंक से भी यही होता है ना? डिस्काउंट बिल रिसीवेबल फ्रॉम बैंक, मैंने इसके लिए भी बोला हो। ये मुझे समझाना है डिस्काउंट बिल रिसीवेबल क्या होता है। और इसमें आपके अगर आप बुक से उठाएंगे तो उसके अंदर एक ट्रांजेक्शन और है, बिल रिटायर्ड ऑन रिबेट, ऐसा भी है। तो वो मैंने जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि मुझे लगता है वो आपको बाद में देना चाहिए, लेकिन इससे मैंने दिया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप बुक से जब करेंगे क्वेश्चंस तो उसमें मिलेगा आपको। तो मैं ये दो तीन ट्रांजेक्शन जो बिल वाले हैं, ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक पूरा चैप्टर है जो सेकंड टर्म है। लेकिन अब क्या होता है बुक्स के अंदर वो फर्स्ट में ही कैशबुक में उसके कुछ ट्रांजेक्शन आ जाते हैं, तो मैं उसको वैसे अपनी तरफ से तो नहीं, लेकिन अब बुक में है तो आपको करना पड़ सकता है। तो मैं वो बता देता हूँ वाले ट्रांजेक्शन के, ये थोड़े से आप समझ लीजिए बिल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम रुपीज
12,000 ये मैंने एक ट्रांजेक्शन दिया आपको, ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा चैप्टर है आगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा जितना आपको कैशबुक के लिए जरूरी है बस, क्योंकि ये है ऐसे ट्रांजेक्शन कैशबुक के क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय रुपीज 12, अब ये तो हो गया हमारा एक ट्रांजेक्शन। अब इसके बाद ये तीन दो अलग अलग ऑप्शन, आवर एक्सेप्टेंस ऑन ड्यू डेट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट रुपीज 12,000। इसी ट्रांजेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आवर एक्सेप्टेंस टू गीता रुपीज 12,000 वाज ऑनर्ड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और बिल्स पेबल ऑफ रुपीज 12,000 वाज पेड, क्या इसको लिखा जा सकता है ऑनर्ड। ये तीनों जो मैंने लिखे हैं थर्ड में, इन तीनों का एक ही मतलब है। दूसरा, मैं ऑनर नहीं कर रहा हूं बट मैं एक दूसरी चीज कर रहा हूं, रिटायर्ड और एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 12,000 एट ओके एट रिबेट रुपीज 150। इस ट्रांजेक्शन को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है, रिटायर्ड आवर एक्सेप्टेंस ऑफ रुपीज 12,000 फॉर 3 months एट अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। तो ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सिंपल से हैं वैसे तो, लेकिन ठीक है फिर भी ये अलग चैप्टर है, मैंने जैसे आपसे कहा। और ये चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर, अगर आप इंडेक्स देखेंगे बुक्स में अपनी, तो ये हमारा जो चैप्टर है सेकंड। हमने गीता से गुड्स परचेज किया है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो क्रेडिट परचेज है, कैश बुक में आएगा नहीं, इसकी एंट्री सबको मालूम है, आप सबको इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गीता, कितने से 12,000। ये एंट्री हमारी परचेजेस बुक की एंट्री है, अगर हम परचेज बुक नहीं बना रहे हैं तो ये जनरल प्रॉपर में लिखेंगे अगर कैश बुक के साथ, लेकिन ये हमारी क्रेडिट परचेज है, इसका हमारी कैश बुक से कुछ भी लेना देना नहीं। आप लोगों के बीच में हाँ ना कुछ रिस्पांस आए, मुझे लगे कि कुछ है यहाँ पे जिंदा लोग, हाँ इज दैट ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? हाँ अब गीता को पेमेंट करना है मेरे को, गीता कह रही है कि भाई ऐसा है कि आप एक लिख के कागज पे एक्सेप्ट करके दीजिए, तो गीता ने बिल बनाया, बिल ड्रॉ, उसने लिखा मिस्टर प्रमोद डालमिया यू हैव टू पे रुपीज 12,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, आपको गुड्स भेज दिए गए 12,000 के, आपको पेमेंट 3 महीने में करना है, उसने बिल दिया मेरे को, मैंने उस बिल के ऊपर लिखा यस एक्सेप्टेड, तो मैंने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया उसको, तो उसकी एंट्री होती है, मैंने अपने ऊपर लायबिलिटी ले ली, लायबिलिटी तो वैसे भी है लेकिन अब मैंने बिल की लायबिलिटी ले ली, तो उसकी एंट्री हम करते हैं गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पे, गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पे, जस्ट ओके। सो बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब देखिए यहां पे एक चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्रूशियल बात ये, पहली बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान, जो चीज मेन ध्यान रखनी वाली वो यही चीज है, जब मैंने गुड्स खरीदे गीता से तो गीता मेरी लायबिलिटी था, गीता को मुझे पेमेंट करना था, और जब मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे गीता को पेमेंट नहीं करना, मुझे बिल का पेमेंट करना। तो व्हेन यू एक्सेप्ट अ बिल, अगर गीता ने बिल ड्रॉ किया है और गीता ने बिल लिखा है और आपने बिल एक्सेप्ट किया, तो आप जब भी एंट्री करेंगे पेमेंट करने की, तो आप बिल का पेमेंट करेंगे, गीता को पेमेंट नहीं करेंगे। अब मैं जब पेमेंट करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा बिल्स पेबल टू कैश या बिल्स पेबल टू बैंक,
मैं गीता टू कैश बैंक नहीं करूंगा, जब मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो हम बाद में बात करें, अभी हम डीप में इतना नहीं जाएंगे। लेकिन जब हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया किसी का, तो लायबिलिटी मेरी उस पर्सन को नहीं रहती है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मेरे को उस पर्सन को पे करना है थ्रू अ बिल। तो जब मैंने गुड्स खरीदे थे गीता से, तो मेरी एंट्री थी परचेजेस टू गीता, फिर गीता ने बिल ड्रॉ किया, मैंने एक्सेप्ट किया, तो गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। तो अब गीता का अकाउंट क्रेडिट हुआ और डेबिट हो गया, गीता को अब मुझे कोई पैसा नहीं देना, गीता का अकाउंट बंद हो गया। ये देखिए गीता का अकाउंट बंद हो गया, मुझे अब पेमेंट करना है तो बिल का पेमेंट करना। तो जब मैं बिल का पेमेंट करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। अब जब ये कहा जा रहा है कि आपको कैश बुक के क्वेश्चंस के अंदर ये दो ट्रांजेक्शन ऊपर वाले नहीं देंगे, क्योंकि ये कैश बुक से रिलेटेड ही नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए भी नहीं देंगे, आपको ये वाले ट्रांजेक्शन देंगे नीचे वाले। तो लेकिन नीचे वाले समझ में आ जाए इसलिए मैंने ऊपर से कहानी स्टार्ट की, ठीक है। अब आपको राम और रावण का युद्ध तो बता दिया, लेकिन राम कौन था रावण कौन था ये मुझे बताना जरूरी था, दो अपने को सिर्फ लड़ाई की बात करनी थी, है ना, तो ये मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे थर्ड वाला, ये जो तीनों कंडीशन है आपकी, ये जो तीनों कंडीशन है कौन सी, एक्सेप्टेंस को ऑनर किया, गीता को एक्सेप्टेंस था वो ऑनर किया, या बिल पेबल को, इन तीनों का एक ही मतलब है और उसकी एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, हमारी एंट्री होगी। इज दैट ओके? यस सर। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक? हाँ। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है, देखिए ऑन मैच्योरिटी ड्यू डेट पर पेमेंट किया, मतलब जब मैंने बिल एक्सेप्ट किया था तो गीता से मैंने 3 महीने का टाइम लिया था कि 3 महीने का बिल है, 3 महीने बाद पेमेंट होगा, जब 3 महीने हो गए तो मैंने पेमेंट किया, तो मैच्योरिटी का डेट मतलब होता है जब ड्यू डेट आई तब पेमेंट किया। और ये आप ध्यान रखिए कि ड्यू डेट बाद में आती है, ऐसा नहीं होता कि मैंने आज गुड्स खरीदे, गीता ने आज बिल ड्रॉ किया, मुझे आज ही पेमेंट करना है, जब आज ही पेमेंट करना है तो बिल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, बिल ड्रॉ तभी होता है जब मुझको टाइम चाहिए, जब जिसने गुड्स खरीदे हैं वो टाइम मांग रहा है पेमेंट करने के, उसको 2 महीना चाहिए, 3 महीना चाहिए, 1 महीना चाहिए, व्हाटएवर, 6 महीना चाहिए, जितना टाइम चाहिए वो टाइम के बाद पेमेंट करेगा तभी बिल ड्रॉ होता है। कैश पेमेंट करना हो तो बिल ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, कैश पेमेंट करना है तो कैश पेमेंट कर दो, बिल की क्या जरूरत है, बिल की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास टाइम चाहिए आपको पेमेंट करने, तभी जरूरत पड़ती। तो जब टाइम हुआ मतलब 3 महीने का बिल था तो 3 महीने बाद, 4 महीने का बिल था तो 4 महीने बाद, 6 महीने का बिल था तो 6 महीने, जब भी बिल की ड्यू डेट आई उस बिल की ड्यू डेट पर पेमेंट किया तो उसको कहते हैं बिल्स पेबल टू कैश या टू बैंक। तो इन ट्रांजेक्शन का मतलब है कि जब भी ड्यू डेट आई उस ड्यू डेट पर पेमेंट हो गया। तो हमें क्या करना है, कैश बुक के क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये लिखा होगा ऑनर्ड, तो आपको बस एक ही एंट्री करनी है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बुक के अंदर बाय बिल्स पेबल, कैश में दिया तो कैश में, बैंक से दिया तो बैंक। एक और ट्रांजेक्शन हो सकता है इससे रिलेटेड, वो ट्रांजेक्शन क्या है, वो ट्रांजेक्शन ये कह रहा है कि जब बिल आपने रिटायर कर दिया, रिटायर कर दिया मतलब ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया, हमारे पास 3 महीने थे पेमेंट देने के, हमने पहले ही दे दिया उसका, तो जब हम बिल का पेमेंट पहले कर देते हैं तो हमें एक तरह का कंसेशन मिलता है, एक तरह का छूट मिलती है, एक तरह का डिस्काउंट मिलता है, उस डिस्काउंट को कहा जाता है रिबेट। अगर ड्यू डेट से पहले, तो ड्यू डेट से जब भी पहले पेमेंट किया जाएगा तो क्वेश्चन में वर्ड आएगा रिटायर्ड, रिटायर्ड जब भी लिखा हुआ है इसका मतलब ड्यू डेट से पहले, रिटायर्ड वर्ड वहीं पे यूज होगा जहां पे आपने ड्यू डेट से पहले किया। आपको ऑनर्ड वर्ड बोला जा रहा है, ऑनर्ड, या एक और वर्ड यूज होता है मेट, बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, मेट ऑन मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी आई और हमने पेमेंट कर दिया, मेट ऑन मैच्योरिटी मतलब बिल से मिल गए मतलब पेमेंट कर दिया। तो ऑनर्ड वर्ड या मेट वर्ड है तो वो ड्यू डेट पर ही है, ड्यू डेट से पहले यू डोंट ऑनर, यू ऑनर अ बिल ऑन द ड्यू डेट, यू मीट अ बिल ऑन द ड्यू डेट पर यू मीट द बिल, यू डोंट मीट इट बिफोर द ड्यू डेट, तो ड्यू डेट पर ही। हाँ, जब ऑनर्ड वर्ड तभी यूज होता है बिल्स पेबल के लिए जब हम डेटर को देते हैं, तो ऑनर्ड वर्ड यूज नहीं, डेटर नहीं, डेटर सॉरी क्रेडिटर नहीं, हम ऑनर्ड ऐसा भी कह सकते हैं, मेरा एक ट्रांजैक्शन ऐसा भी हो सकता है, एक्सेल ऐसा भी हो सकता है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ गुड्स
को अमर रुपीस 10 करोड़, है ना, अमर एक्सेप्टेड आर बिल ऑफ रुपीस 10 करोड़, अमर एक्सेप्टेड आर बिल ऑफ रुपीस 10 करोड़, और ऐसा भी हो सकता है अमर ऑनर इज एक्सेप्टेड ऑफ रुपीस 10 करोड़। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अमर आपका डेटर था, अमर से पेमेंट लेना था, तो सामने वाले ने ऑनर किया, तो मतलब आपको पैसा मिल गया, तो जब आपने गुड्स अमर को बेचे तो आपने एंट्री किया कि अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमर ने बिल एक्सेप्ट किया तो उसको हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू अमर। अब जब अमर को अपन ने गुड्स बेचे थे 10,000 के, अमर हमारा डेटर था, जब अमर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो अमर इज नो मोर अ डेटर, अमर अब डेटर नहीं है, अमर का अकाउंट बंद हो गया, डेबिट क्रेडिट खत्म। अब पेमेंट अगर मुझे मिलना है तो पेमेंट मुझको मिलना है इस बिल का, और इस बिल को जब अमर ऑनर करेगा, अमर ऑनर करेगा तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितने का 10,000, और अगर ऐसा कहा जाए कि अमर ऑन अमर रिटायर्ड हिज एक्सेप्टेंस, अमर अपने एक्सेप्टेंस को रिटायर कर रहे एट रिबेट ऑफ रुपीज 100, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट के अंदर 9,900 आएगा, रिबेट में 100 आएगा टू बिल रिसीवेबल। तो डिस्काउंट अलाउड नहीं आता नहीं, इसमें नहीं, वी यूज द वर्ड रिबेट, हम डिस्काउंट अलाउड वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम रिबेट यूज करेंगे। और अगर पहले पेमेंट किया है तो रिबेट देना कंपलसरी होता है क्या? मैंने तो क्यों करेगा सामने वाला पेमेंट, भाई आपको 2 महीने का टाइम है, 2 महीने बाद करेगा वो पेमेंट, क्यों करेगा पहले? आप चाहते हो पहले पेमेंट करें तो आप उसको रिबेट दे दो, क्योंकि उसका टाइम ही 2 महीने का ना, आपसे बात हो चुकी है, उसको 3 महीने का टाइम है, उसने आप गुड्स आपने जो गुड्स बेचे थे उसको आपने 3 महीने के हिसाब से बेचे थे, उसको 3 महीने के हिसाब से बेचे थे, तभी थे ना आपने, तो 3 महीने के हिसाब से आपने बेचे थे, तो आपने उसको, आप अगर 100 रुपए के गुड्स थे तो हो सकता है आपने उसको 105 रुपए में बेचे हो कि 3 महीने के साथ, भाई जब आप क्रेडिट में बेचते हो तो रेट ज्यादा होते हैं ना क्रेडिट में बेचने के, आपने उसको 3 महीने के साथ, अब वो सामने वाला पहले पेमेंट कर रहा है आपको, तो आप उसको रिबेट दे रहे, तो सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए कि सामने वाला जल्दी पेमेंट करे, यू माइट गिव अ रिबेट टू दैट पर्सन, इज दैट ओके? Yes, sir. तो जब आप रिबेट देते हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, और जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको रिबेट मिलता है, तो वो आपके लिए रेवेन्यू। तो यहाँ पे आपने अपनी एक्सेप्टेंस को रिटायर किया, तो आप बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल कितने का है 12 का, टू रिबेट 150, टू कैश तो 1 महीने का कितना हो गया 1% हो गया, तो 3 महीने का रिबेट कितना हो गया 360 रुपए हो गया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 12,000 to rebate 360, to cash your bank 11,640, ठीक है। तो जब पर मंथ
ये परसेंटेज दिया हो, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में ये भी दिया होगा भाई कितने महीने पहले पेमेंट किया, 3 महीने का था, 3 महीने पहले किया, तो आपको 3 महीने का उसको रिबेट देना है 12% के हिसाब से। तो 12% मतलब 12,000 रुपए का 12% तो 1 साल का हुआ और उसका 3 महीने ऐसे, तो रिटायर्ड मतलब ड्यू डेट से पहले, तो इससे ज्यादा आपको कैशबुक के अंदर नहीं आया ये मैंने आपको। तो आपको जब आप अपनी एक्सेप्टेंस को ऑनर करते हैं तो बिल्स पेबल टू कैश या टू बैंक, आप रिटायर करते हैं तो आप रिबेट, तो आपके कैशबुक के अंदर रिबेट काट के अमाउंट लिखोगे आप बाय बिल्स पेबल 11850, बाय बिल्स पेबल 12,000 नहीं आएगा, 11850 आएगा। क्यों? क्योंकि रिबेट आपने मिला है, आपने कम पेमेंट किया उसको। और इसी ढंग से जब आपका बिल रिसीवेबल है, आपको मिलना है पैसा, तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो कैशबुक में आप टू बिल रिसीवेबल लिखो। और अगर रिबेट पर पेमेंट होगा तो रिबेट काट के आप लिखोगे टू बिल रिसीवेबल, रिबेट कम करके आपका उस कैशबुक के अंदर आएगा, इतना आएगा आपको। Any questions? No, sir. Yes, sir. तो ये आपके ट्रांजेक्शन्स हो गए। तो ये आपका सिक्स्थ वाले में जो मैंने कहा था मुझे बताना है वही डिस्काउंट बिल। ओके अच्छा, ये डिस्काउंटिंग भी तो है। एक चीज और है, एक चीज और है, छोटा सा पॉइंट। हाँ, बिल डिस्काउंटिंग है। तो जब हमारे पास किसी से पेमेंट मिलना होता है, मान लीजिए अमर ने बिल एक्सेप्ट किया और अमर से बिल एक्सेप्ट हुआ 3 महीने का, और अमर हमें 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, लेकिन हमें पैसे की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि आप बिल डिस्काउंट कर दो। बिल डिस्काउंट कर दो मतलब हम ये बिल बैंक को दे देते हैं, अभी दे देते हैं, जबकि हमें पेमेंट कब मिलना है 3 महीने बाद, लेकिन हम 3 महीने तक अपने पास नहीं रखते, हम बैंक को बिल अभी दे देते कि लो ये बिल और आप पेमेंट कर दीजिए, तो उसको कहते हैं बिल का डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब होता है हमने बैंक से पैसा पहले ले लिया, बिल डिस्काउंटेड, हमने बैंक से पैसा पहले, तो बैंक जब भी हमें पहले पैसा देगा तो पूरे पैसे नहीं देगा, इंटरेस्ट काट के देगा, क्योंकि बैंक का काम है फाइनेंस करने का। बैंक के पास, बैंक हमें 3 महीने पहले पैसे दे रहा, बैंक को 3 महीने बाद मिलेगा हमारे से पैसा, बैंक ने हमें अभी दे दिया, तो बैंक 3 महीने का इंटरेस्ट काट के देगा। तो उसकी जो हमारी एंट्री होती है, हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट जितना मिल रहा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस। मतलब ड्यू डेट से पहले कैश ले लिया गया? हाँ, ड्यू डेट से पहले हमने बैंक से कैश लिया, बिल रिसीव 10,000 का बिल है, डिस्काउंटिंग चार्जेस 150 रुपीज, तो बैंक हमें 9,850। डिस्काउंटिंग चार्जेस हम लोग के एक्सपेंस होगा है ना? एक्सपेंस हो जाएगा, तो हम अपनी कैशबुक के अंदर डिस्काउंटिंग का जो नेट अमाउंट है उतना लिखेंगे। तो हम अपनी जब कैशबुक बनाएंगे तो कैशबुक के अंदर बैंक के कॉलम में टू बिल रिसीवेबल करके, बैंक के कॉलम में जब हम एंट्री करेंगे तब हम यहाँ पे लिखेंगे 9,850। Is that okay? Yes, sir. 9,850. Discounting charges और rebate में क्या difference? रिबेट देखो क्या होता है कि रिबेट इज समथिंग विच वी आर अलाउविंग टू दी पार्टी फॉर पेइंग अर्ली टू अस, और डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने बैंक को एक तरह से इंटरेस्ट दिया है उतने महीने का कि हम बैंक से जितनी जल्दी पैसा ले रहे हैं। रिबेट में सामने वाला खुशी खुशी पैसा दे रहा है, और डिस्काउंटिंग चार्जेस में जिसको पैसा लेना है वो बैंक से पहले पैसा ले रहा है, वो जरूरत किसकी उस पर डिपेंड करता है। रिबेट में हमारी जरूरत है, मतलब जो पेमेंट पहले कर रहा है वो अपनी खुशी से पेमेंट कर रहा है, और डिस्काउंटिंग के अंदर क्या होता है, जिसको जिसके पास बिल है वो बैंक से एक तरह का लोन ले रहा है,
एक तरह का लोन है ये, आप बैंक, आपको 3 महीने बाद पैसा मिलना है, आप बैंक से कह रहे हो अभी दे दो पैसा, तो आप एक तरह से बैंक से 3 महीने के लिए फाइनेंस ले रहे हो, 3 महीने का आप बैंक से लोन ले रहे हो, फैसिलिटी ले रहे हो, दैट इज अ डिफरेंस। ओके सर। हाँ सर, वैसे थोड़ा अनरिलेटेड है लेकिन रिबेट और रिबेट को चैरिटी से रिलेट कर सकते हैं क्या? नहीं, रिबेट इज नॉट चैरिटी। अब बताइए डबल कॉलम कैश बुक में और कोई किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो ये बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। ये अब ये जितने बच्चे क्लास में सभी ने कैश बुक के क्वेश्चंस किए हैं, मिस्टी तुमने भी कैश बुक के क्वेश्चंस किए हैं? नो सर। मतलब मुझे मिले नहीं है इसलिए कह रहा हूँ। यस सर। मतलब मिले नहीं है? सर मैं भेज दूंगी, कर लूंगी। कितने शीट्स हो गई तुम्हारी? सर मेरी 22nd बहुत लंबी है तो चल ही रही है। तो तुमने कैशबुक के शीट्स की हैं कि नहीं की है? ये वाली जो 36-37 इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं सर अभी नहीं की है। मैं यही तो यस सर यस सर यस सर रटे जा रहे हैं। यस सर। सर मैंने नो बोला था शीट करने की। हाँ तो अभी तुम्हारे नहीं किए तो अभी मतलब आरुषि आरुषि व्हाट अबाउट यू, तुम किस शीट पे हो? सब्सिडरी बुक्स आपने स्टार्ट कर दी है, मतलब परचेज बुक सेल्स बुक वाली बात कर रही हो तुम? यस सर। वो क्वेश्चन बन रहे हैं तुमसे? यस सर। अच्छा ओके ठीक है। आदित्य राठौर आप अभी वो पहले वाली शीट्स पे कर रहे हैं ना, तो आयुष ने कर लिए हैं क्वेश्चंस कैश बुक के कर रहा है, अनवी कर रही है, आस्था कर रही है, गिरिराज कर रहा है, जयश है, मेका भी कर रही है, और रिदम रिदम तुम्हारी कौन सी शीट चल रही है? सर 37। ठीक है तो आप लोगों को मैं एक वो एक इसमें ऑनलाइन असाइनमेंट दूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे कैश बुक के, वो आपको करने रहे। Yes, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और वो आपको करने वो क्वेश्चंस दैट यू हैव टू डू। यस सर। और बोलिए आपके डाउट कैश बुक के रिलेटेड या समथिंग लाइक दैट। सर सॉरी सर, आपको रोज ट्रैवल करते हैं, एक्चुअली शीट 20 मिल गई थी मुझे, बट आपने कहा था रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी मुझे। ठीक है शीट 20 अभी हम 7:00 पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जो कर रही है। ओके सर, तो मैं 7:00 तक रुक जाती हूँ। ठीक है तब उसके बाद आरुषि तुम भी थोड़ा सा मुझसे साथ कैश सब्सिडी बुक डिस्कस करोगे 7:00 and I'll have to discuss it. ठीक है तो अभी आप बताइए कैश बुक के अंदर कोई डाउट है तो ठीक है, otherwise we meet again on 7 for the other doubts. सर लेजर पोस्टिंग लास्ट वाले क्वेश्चन की करना है ना बस? लास्ट वाले क्वेश्चन की लेजर पोस्टिंग करना है सर, और जर्नल प्रॉपर भी उसी में करना है ना? जर्नल प्रॉपर भी करना है क्योंकि आप हाँ जर्नल प्रॉपर भी करना है, वो ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में नहीं आ रहा है, और फिर उनकी दोनों की कैश बुक की और जर्नल प्रॉपर की दोनों की लेजर पोस्टिंग होगी। दूसरे अकाउंट होंगे ना, अभी मैंने बताया था कि लेजर पोस्टिंग जो होती है जैसे कैशबुक के अंदर आपने बाय सैलरी लिखा है तो सैलरी अकाउंट में तो लिखना पड़ेगा ना टू कैश। बाय परचेजेस लिखा है आपने कैशबुक के अंदर, परचेज अकाउंट में टू कैश लिखना पड़ेगा। तो जो कैशबुक की लेजर पोस्टिंग होती है जो कैशबुक के अंदर दूसरे अकाउंट्स आ रहे हैं उनकी तो अपने को करनी पड़ेगी ना। हमने सैलरीज दी बाय सैलरीज 6,000, तो लेजर के अंदर जो सैलरीज अकाउंट होगा उसके अंदर तो हमें लिखना पड़ेगा ना टू कैश 6,000। हाँ लेजर में कैश अकाउंट नहीं होगा लेकिन सैलरी अकाउंट तो होगा, हमने यहाँ पे बाय परचेजेस किया 12,000, तो लेजर के अंदर परचेज अकाउंट होगा उसके अंदर आप लिखोगे टू कैश 12,000। आपने यहाँ पे टू सेल्स किया तो सेल्स का भी एक लेजर बनेगा अलग से, अगेन वो 12,000, तो लेजर में सेल्स अकाउंट होगा और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स
बाय कैश। ओके सर, मतलब कैश जिससे डेबिट और क्रेडिट हो रहा है उसके भी हम लोग। और यहाँ पे अगर बैंक है तो बैंक के अंदर भी लिखोगे, यहाँ पे आपने डेटर ने आपको पेमेंट किया और आपने बैंक के कॉलम में लिखा हुआ है बैंक में 10,000, तो आप डेटर के अकाउंट के अंदर क्रेडिट में लिखोगे बाय बैंक 10,000। लेकिन आपको सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है, बैलेंसिंग नहीं करना। आप बैलेंस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको डेटर का ये ट्रांजेक्शन तो दिया है, क्रेडिट सेल्स के ट्रांजेक्शन नहीं दिया, तो आप डेटर का क्रेडिट बैलेंस आएगा। आप लेजर लास्ट क्वेश्चन में बैलेंसिंग मत कीजिए, सिर्फ आप लेजर पोस्टिंग दिखाना है आपको, आप अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट डाउन मत निकालिए क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन नहीं है, वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इज दैट ओके? सो सो उसको सॉल्यूशन भेज दीजिएगा मुझे। 37 का भी बनाया नहीं है मैंने, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, आप कंप्लीट कर लीजिए, देखते हैं। सर जैसे हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं तो उसमें हम लेजर में कैश और बैंक अकाउंट ओपन करेंगे क्या? इसीलिए तो कॉन्ट्रा कह रहे हैं उसको, कॉन्ट्रा हम इसीलिए कह रहे हैं कि उसका डेबिट भी लिख दिया गया है, क्रेडिट भी लिख दिया गया है। लेजर के अंदर कुछ पोस्ट करने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री में बचता नहीं है, इसीलिए उसको कॉन्ट्रा कहा जाता है। क्योंकि कैश बुक के अंदर कैश अकाउंट भी आ गया, बैंक अकाउंट भी आ गया, कैश भी हो गया, बैंक भी हो गया, तो जो कॉन्ट्रा एंट्री है उसकी लेजर में पोस्टिंग नहीं होती, इसीलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसका डेबिट भी आ गया, क्रेडिट भी आ गया, लेकिन हमने सैलरी दी तो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि सैलरी का क्रेडिट साइड कैशबुक में तो लिख गया लेकिन सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड अभी लिखना बाकी है, तो वो लेजर में लिखा जाएगा, इसलिए सैलरी को जो हम पे करते हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। लेकिन अगर हमने बैंक या बाय कैश लिखा है वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई डबल कॉलम में कैशबुक। सिंगल कॉलम में अगर कैश बैंक है तो कॉन्ट्रा नहीं है, वो तो लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर डबल कॉलम है, मेरे ख्याल से जो लास्ट क्वेश्चन है वो डबल कॉलम है, तो डबल कॉलम है तो उसके अंदर कैश बैंक तो दोनों कैश बुक में आ गया, तो डेबिट भी आ गया क्रेडिट भी आ गया, तो उसकी लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी। ओके सर। सर मैं ये पूछ रही थी, मतलब कैश जिन चीजों से डेबिट और क्रेडिट हो रहा है उसकी लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी लास्ट क्वेश्चन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है, वी मीट अगेन एट 7 जो दूसरे बच्चे बाकी के, ठीक है। मैं तब तक आपकी रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देता हूँ।